लाभ हानि का तीसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। दो भाग हम बना चुके हैं और जो बच्चे हमारे ना देखे हों वो आई बटन दबा करके भाग एक भाग दो देख लीजिएगा। अब हम भाग तीन इग्राहवा नियम से शुरू हो रहा है। अब भाग तीन में इग्राहवा नियम है, इग्राहवा नियम में क्या लिखा हुआ है हम कहते हैं ध्यान से देखिए। जो भी नियम बताएंगे हम देखते रहिए और लाइक करते रहिए, उसको शेयर करते रहिए, तो हम वीडियो आपको बना करके हम देते रहेंगे। आप ये देखिए जो भी नियम हम देंगे, जो भी सवाल हम बताएंगे, विधिवत बताएंगे, तुम्हारे समझ में आएगा। अगर समझ में ना आ तो हमारे वीडियो बनाने से फायदे क्या है, वो आपके देखने से क्या फायदा है। तो इसलिए आज हम भाग तीन में इग्राहवा नियम से शुरू कर रहे हैं। अब इग्राहवा नियम क्या है सुन लीजिए। 100 मेज बेचने पर 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो मेज पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। भाई एक बात तो अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, अगर तुमका प्रतिशत लाभ निकाले कोई प्रतिशत हानि निकाले कोई, बिल्कुल एक मतलब दिमाग में नोट कर लीजिए, एक ही बात मिटे नहीं चाहिए। अगर क्रय मूल्य दिन हो विक्रय मूल्य दिन हो तब कहा देने की प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकल सकता है। तो याद करिए कि अगर प्रतिशत लाभ निकाले का है तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य देखा, फिर क्रय मूल्य दीना है कि नहीं दीना है, नहीं दीना तो कहां से निकले, विक्रय मूल्य दीना है कि नहीं दीना है, नहीं दीना है तो कहां से निकले। इजी। तो अब देखा इसमें कह रहा है कि 100 मेज बेचने पर 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि अगर हम जैसे 100 मेज खरीद के ले आए, अब जितने का बेचा अगर हम 100 मेज हमारे 100 मेज बिक जाए जानता हमका कितना लाभ है 20 मेज जितना 20 अगर 20 मेज अगर हम मान लिया 500 बेचे तो जान लगे 500 को फायदा 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये तो बात को समझ में आई हो कि अगर हम 100 मेज अगर हम बेच जाए हमारा 100 मेज पूरा बिक जाए तो हमका लाभ कितना हो जितना 20 मेज बेचे पर तुका मूल्य मिला है उतना तुका लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब इस सवाल से पता चलता है कि हमें लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो लाभ होता है तो कैसे, तो लाभ का सूत्र हम बताएगी देखिए। पार्ट वन में पहला नियम हम बताइए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। अगर लाभ होता है तो लाभ का सूत्र लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस, यानी इसमें दो सवाल है, सवाल शुरू से आखिर तक वीडियो देखिए, सवाल समझ में आए, दो सवाल बताएंगे, जो भी सवाल बताएंगे वो समझ में आए वीडियो देखिए। अगर हम इन्हें की इसमें लिखा हुआ है कि बराबर लाभ होता है तो लाभ का सूत्र लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर लिखा हो 20 मेज के हानि के बराबर, यानी कि 20 मेज के विक्रय मूल्य के हानि के बराबर लाभ होता है। अगर हानि दिन हो तो यह लिखित हानि बराबर तो एक पार्ट जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आप देखिए लाभ कितना होता है 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब सुंदर राइटिंग लिखेंगे 20 मेज का विक्रय मूल्य, क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य लिखेंगे बराबर। यानी हमका कितने लाभ, कितना लाभ है 20 मेज का विक्रय मूल्य। अब देखा, अब विक्रय मूल्य कितना था 100 मेज का विक्रय मूल्य और 100 मेज का क्रय मूल्य। अब 100 मेज का विक्रय मूल्य लीजिए, यहां लिखिए 100 मेज का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 100 मेज हम 100 मेज का बेचा और 100 मेज खरीदे रहे, खरीदा 100 मेज, जब खरीदा तब तो 100 मेज बेचा, तो 100 मेज का क्रय मूल्य 100 मेज का क्रय मूल्य। नोट करिए भाई, जैसे 100 मेज हम बेचे ही, तो एक है मतलब पहले 100 मेज खरीदा ना, तब तो कहा 100 मेज बेचा, 100 मेज बेचे तो 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो इसका मतलब हम लाभ के नीचे लिखा जय मेज के बराबर लाभ है, तो 20 मेज का विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर लिखा। फिर लिखा हुआ विक्रय मूल्य, तो जय मेज बेचे है तो यानी उतने के को गए विक्रय मूल्य, तो 100 मेज का विक्रय मूल्य। फिर यहां माइनस आया, माइनस लिखा, अब क्रय मूल्य 100 मेज खरीदे रहा तब तो 100 मेज बेचा, तो 100 मेज का क्रय मूल्य। अब देखा, अब इस 100 मेज का क्रय मूल्य एक एक व्यक्ति लाओ तो बराबर किधर आए, तो माइनस में है, अगर बराबर किधर लाएंगे तो ये हमारे प्लस में, प्लस लिखा ना जाए, तो 100 मेज, सुंदर राइटिंग लिखेंगे 100 मेज का क्रय मूल्य, 100 मेज का क्रय मूल्य बराबर। अब यहां तो 100 ये है 100 मेज का विक्रय मूल्य, तो 100 मेज का विक्रय मूल्य और अब एक इधर लिखा हुआ 20 मेज का विक्रय मूल्य। अब एक जब यह कहती लाओ हम प्लस में है तो इधर आए भी माइनस मुझे, यानी कि 20 मेज का विक्रय मूल्य। अगर समझ में ना आओ हम इसी नियम के सवाल और बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए बस के बाद। यानी कि 100 मेज का क्रय मूल्य बराबर हो जाए 100 मेज का विक्रय मूल्य, जब 20 मेज का विक्रय मूल्य बराबर हुआ कहती ले जा, जो इधर प्लस लिखा है इधर माइनस हो जाए 20 मेज का विक्रय मूल्य। आप सुंदर राइटिंग लिखेंगे 100 मेज का क्रय मूल्य बराबर 100 मेज का विक्रय मूल्य माइनस 20 मेज का विक्रय मूल्य। तो 100 में से 20 घटाया गया, यानी कि 80 मेज का विक्रय मूल्य इतना। अब सवाल आएंगे, बस देखिए ध्यान से वीडियो, मतलब कि सवाल बस जो कठिन था केवल इतने समझने में कठिन था, लेकिन जब हम दूसरा हम भाग लाएंगे इसका दूसरा हम सवाल लगाएंगे तो समझ में आइए। तो अब इससे क्या पता चलता है, 100 मेज का क्रय मूल्य ई बराबर है 80 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए, समझा तरीके कि कहो अगर हम 100 मेज मान लो 100 रुपया खरीदे, 100 मेज कितने खरीदे 100 रुपया, तो 80 मेज के विक्रय मूल्य का हो जाए भाई, 100 मेज के क्रय मूल्य के बराबर है ना 80 मेज के विक्रय मूल्य, तो 80 मेज का विक्रय मूल्य कितना हो गए, जितना 100 मेज तो खरीदे यहां उतना डाल लिया, उतने में 80 मेज बेचा। तो हम यह मान लेते हैं, माना 100 मेज का क्रय मूल्य 100 रुपया, यानी कि एक मेज का 1 रुपया। मान लें अगर हम 100 मेज जो ना है 100 मेज अगर हम 100 रुपया खरीदे ही, तो हम 80 मेज हम 100 रुपया बेच रहे, तो 100 मेज का विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। अब ये बतावा कि 80 मेज के विक्रय मूल्य का हो जाए
80 मेज का विक्रय मूल्य। तो 80 मेज के विक्रय मूल्य क्या होंगे? बहुत दिमाग नहीं लगा बेटा है, हमें साफ साफ लिखा है कि 100 मेज का क्रय मूल्य जोन बा, जितना 100 मेज के क्रय मूल्य है उतना 80 मेज के विक्रय मूल्य है। तो जब 100 मेज के क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 80 मेज के विक्रय मूल्य 100 रुपया हो गया, 100 रुपया। यानी कि 100 मेज खरीदे हम कितने के? 100 रुपया का। अब वो यानी वो हमन से हमारे 80 मेज जो है 100 रुपया के बिक गए, बेच गए। अब मेज बची कितना है? 20 मेज और बची बा। अब वह हमारे जब 20 मेज मतलब बिके तो वह हमारे हो जाए फायदा। तो अब ये देखा कि जब हम 80 मेज जब हम 100 रुपया बेचे ही मान लीजिए, तो एक मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 100 बटे हम बताइए यहां जो रहे ऊपर यहां की संख्या नीचे हो जाए इतना। और कई मेज कुल खरीदे हैं, 100 मेज खरीदे हैं तो 100 मेज बेच दिया, तो भाई 80 मेज तो बिकी गया तो 100 रुपया का। अगर नहीं 100 मेज अगर बिक गया तो कितना हो गया? तो 100 मेज तो ये लिखा 100 मेज का विक्रय मूल्य। तो 100 मेज का विक्रय मूल्य का हो गया 100 बटे 80 पहले लिख लिया हम, बताएं जो तीसरे नंबर में संख्या रहे उधर जाए ऊपर हो जाए यानी कि 100 हो जाए। अब यह जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जो आएगा ये पता चलेगा कि 100 मेज का विक्रय मूल्य इतना है। तो अब इसी को काटेंगे यानी 100 इंटू 100 बटे 80, जीरो से जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे 2 से तो 2 चौक 8, और 2 से इसको काटेंगे 2 5 10, और 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 8, 8 2 10, 2 और 0 20 बचे, तो 4 5 20, यानी कि अब कट गया तो 25 5 125 रुपया। पहले समझा, एक सवाल देखिए, एक सवाल समझिए लेकिन ढंग से। कहने का मतलब ये मतलब कि यहां से यहां तक हमें ये पता चल गया कि हमने 100 मेज को खरीदा था 100 रुपए में और 100 मेज को हमने बेचा 125 रुपए में, ये तो है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो अगर हमका प्रतिशत लाभ निकाले कोई या प्रतिशत हानि निकाले कोई, तो हमका खरीदे वाला दाम और बेचे वाला दाम अगर ये दोनों मालूम हो जाए या मालूम रहा है तो प्रतिशत लाभ हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमारा 100 मेज देख लिया या क्रय मूल्य मालूम हो गया, या देखा 100 मेज का विक्रय मूल्य मालूम हो गया। अब हमका निकाले का है प्रतिशत लाभ, तो तरी देख लिया हम बताएंगे भाग वन में पहला नियम प्रतिशत लाभ बराबर सुंदर राइटिंग लिखेंगे 100 इंटू लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखा अगर हमका प्रतिशत लाभ निकाले का है तो हमका लाभ मालूम हो जाए और क्रय मूल्य मालूम हो जाए, तो क्रय मूल्य तो हमारा मालूम है कि 100 मेज का क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब हमका लाभ मालूम हो तो लाभ अगर हमका मालूम करे का है तो लाभ बराबर होता है क्या होता है? विक्रय मूल्य अब माइनस क्रय मूल्य। सुंदर राइटिंग लिखिएगा और बराबर लिखिए, बराबर लिखिएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है 125 रुपए, अब माइनस क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है तो यहाँ 100 लिखेंगे। तो ये 125, 125 में से जब हम 100 घटाएंगे तो हमारा आएगा 25 रुपया। ये तो हमारा लाभ है 25 रुपए का, लेकिन कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? लाभ और प्रतिशत लाभ में अंतर है। लाभ लाभ है तो पूरे लाभ है,
प्रतिशत लाभ मतलब कि अभी पता लगाओगे 100 में कितने का लाभ हुआ, वही हमारा प्रतिशत लाभ है। तो प्रतिशत लाभ बराबर ये बराबर आए बराबर लिखा, 100 आए 100 लिखा, इंटू आई इंटू लिखा, लाभ लाभ देना है तो हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा, अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दे तो हमारा लाभ निकल गया है। तो अब ये लाभ निकल गया 25, तो लाभ की जगह पर हम 25 लिख देंगे बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमको दिए हैं कितना दिए क्रय मूल्य 100 रुपए बटे 100 लिख देंगे। अब 100 में से 100 100 से 100 कट गया, अब यह आएगा 25। अगर हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं इसके आगे हम रुपया ना लिखा, इसके आगे यही चिन्ह जो प्रतिशत का चिन्ह है यही लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। तो यानी कि ये है हमारा, अगर ये सवाल नहीं समझ में आई है तो इसी का दूसरा रूप हम बता रहे हैं। यानी कि 11वां नियम वही 11वां नियम है। एक सवाल बताया अगर उसमें कहीं दिक्कत रही हो, कहीं समझ में ना आया हो तो हम दूसरी सवाल में हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए, अब लाइक जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा इतना, क्योंकि आप लोग पैसा देंगे नहीं, पैसा देना नहीं है तो कम से कम हम रिक्वेस्ट करते हैं इतना तो कर ही दीजिए। चलिए तो इसमें क्या कह रहा है, 250 मेज बेचने पर 50 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मेज पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, लाभ होगा। तो भाई हम एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं, वीडियो देखिए शुरू से आखिर तक देखिए, हम कई बार बताए हैं पूरे वीडियो में देख लीजिए कई बार बताए हैं, अगर इन्हीं प्रतिशत लाभ निकाले को या प्रतिशत हानि निकाले को, जब तक खरीदने वाला दाम और बेचने वाला दाम जब तक इन दोनों ना मिले तब तक ना प्रतिशत लाभ निकले ना प्रतिशत हानि निकले। तो अब यानी कि अगर मान लीजिए किसी सवाल में आप देखते हैं जब कभी ऐसी सीन आती है कि उसमें लिखा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो जान लीजिए कि हमका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देखने के बाद दीन है नहीं दीन है, नहीं दीन है तो निकले काम से दिमाग ये लगाना है। तो चलिए इस हम सवाल को तनिक कि हम मौखिक बता देते हैं। एक है मतलब था कि 250 मेज अगर ये बेचे तो एक है मतलब 250 मेज खरीद के लावा रहे हैं, कहो बिना खरीदन का मेज मिल जाएंगे। एक है मतलब कि 250 मेज खरीद के लाए नहीं तो 250 मेज बेचे नहीं, याद रखे रहिएगा कि 250 मेज उन्होंने खरीदा रहा होगा, खरीदे रहे होंगे तब 250 मेज इन्होंने बेचा। तो जब इनका 250 मेज अगर पूरा बिक जाए तो इनको लाभ कितना होगा, जितना ये 50 मेज बेचने पर जो रुपया पाए हुई है उतना जानकर लाभ था, उतने बराबर लाभ था। अगर 50 मेज इनके माना अगर 1000 का हो तो जान ले 1000 लाभ था। तो अब इन्हें पता लगा हुआ इनका है 50 मेज के लाभ के बराबर होता है, के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अगर लाभ देना है तो सबसे पहले लिखा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सुन लिया खूब कायदे से ध्यान से देखिए लाभ। अब लाभ कितना है 50 मेज का विक्रय मूल्य, जितना यानी लाभ कितना होगा जितना 50 मेज का विक्रय मूल्य है, तो लाभ की जगह पे हम लिखा क्या लिखेंगे लाभ। अब देखा लाभ के लिए 50 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जहां लाभ लिखा है यहां लिखे हुए सुंदर राइटिंग में 50 मेज का विक्रय मूल्य बराबर है बराबर लिखा। अब विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य मतलब जय मेज बेची है 250 मेज बेची है, तो लिखा 250 मेज का विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य का मतलब उभय द्विस्पक्षीय यानी कि जितना 250 के मेज के क्रय मूल्य है, तो ये 200 यहां लिखेंगे, 250 मेज का क्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब केवल संख्या बदली है। अरे भाई कह देंगे 300 मेज बेचने पर 30 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मेज पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? लगेगा तो इसी तरह कि लाभ पहले देखा पहले मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, उसको यहां लाभ के नीचे लिख देंगे, फिर बराबर कुल कितने कितने मेज जो है बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो 250 मेज खरीदे तो 250 मेज बेचे तो 250 मेज का विक्रय मूल्य माने 250 मेज का क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हो रहा है। अब देखिए इधर, अब क्या करेंगे, अब ये माइनस में है, अब 250 यानी माइनस 250 मेज का क्रय मूल्य, जब ये का ये है कि लाभ को हमारा हो जाए प्लस में, ये हो जाए 250 मेज का क्रय मूल्य बराबर है, बराबर लिखिए। अब इनकी एक उदाहरण लेंगे, 250 मेज का विक्रय मूल्य, अब यहां प्लस में है, जब एक आई इधर ले आओ तो यानी जो लिखा हुआ प्लस 50 मेज का विक्रय मूल्य, इधर आए तो ये माइनस 50 मेज का विक्रय मूल्य, अब फिर क्या लिखेंगे, 250 मेज का क्रय मूल्य बराबर, अब 250 में 250 में से 50 घटा दीजिए कितना आएगा 200, भाई अगर 250 में से अगर 50 घटाएंगे 200, अब मेज का विक्रय मूल्य लिख देंगे, मेज का विक्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब बस यही इतना कठिन है, केवल यही पता चल जाए कि कितने मेज का क्रय मूल्य कितने मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस। अब हमें पता चल गया कि 250 मेज का क्रय मूल्य जो है वो 200 मेज का विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने का मतलब जितना जितने में हम 250 मेज खरीदे उतने में हम जान लिया 200 मेज बेचे, ठीक है, मतलब कि हमारा खरीदार को 200 में बेचे पर मिल गया। अब यानी कि जो 50 में बिके हुए हमारा फायदा है, अब वही पता लगा क्या है, अब देखा, अब यानी कि 250 मेज का क्रय मूल्य जितना था उतना 200 मेज का विक्रय मूल्य है, यह तो है कहा नहीं मान लिया, माना यानी कि 250 मेज का क्रय मान लिया, 250 मेज का क्रय मूल्य मान लीजिए कितना 250 रुपया, जिससे 100 मेज का क्रय 100 रुपया, 150 मेज का क्रय मूल्य 150 रुपया, तो 250 मेज का क्रय मूल्य 250 रुपया, मान लिया कि 250 में हम 250 रुपया खरीदे। तो अब ई बतावा जब हम 250 में हम 200 रुपया खरीदे ही तो 200 मेज कितने बेचे हैं, ये मैं लिखा हुआ जितना 250 में खरीदे हैं उतने के 200 मेज बेचे हैं, तो यहां लिखा सुंदर राइटिंग में 200 मेज का विक्रय, 200 मेज का विक्रय मूल्य कितना हो गया 250 रुपया। यह कह सका क्या भाई, काहे बने तो कैसे 250 रुपया हुई, तो चूंकि लिखा था कि 250 मेज का क्रय मूल्य है वो 200 मेज का विक्रय मूल्य के बराबर है, जितना 250 मेज का क्रय मूल्य है उतने 250 मेज के विक्रय मूल्य है, ये बने। अब ये बताइए जब 200 मेज का विक्रय मूल्य जब 250 रुपया है, हमारा 200 मेज बिका 250 रुपया पाए, अगर हमारा पूरा मेज बिक जाए तब हम कितना पाओ, हम अभी पता लगाओ का, तो अगर मान लिया 200 मेज का विक्रय 250 रुपए है, एक मेज का
अब एक पेज का विक्रय मूल्य का हो गया जो हिया रहे ऊपर और बटे हिया जो रही नीचे। अब कितना मेज खरीद ला रहा 250। अब 250 में जितना खरीदे है ना, अब हमका निकालेगा 250 मेज है, 250 मेज का विक्रय मूल्य का हो गया 250 बटे 200। अब ये जो तीसरे नंबर पे है ये ऊपर में ये 250, अब 250 का अब एक अंक का काटेगा है तो 250 इंटू 250 बटे 200, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 25 इंटू 25 ये हो गए बराबर कितना हो गए 625 बटे 2 कितना हो गया। यानी कहने का मतलब 250 में हम कितने खरीदे रहे 250 रुपया का, 250 में हम बेचे कितने का 625 बटे 2 रुपया का। अब हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा, देखिए प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर 100 इंटू लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय। अब अगर हमका प्रतिशत लाभ निकाले का है तो हमका लाभ और क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। अब यानी कि लाभ नहीं मालूम है तो लाभ मालूम करने के लिए यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, तो मालूम है तो लाभ लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये बराबर है विक्रय, विक्रय मूल्य है कितना 625 बटे 2 माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 250। तो अब हमें जब हम 202 का उत्तम ले तो 2 से 2 हमारे कट गए, तो यह बचे कितना 625 बटे, अब यहाँ तो बटे 2 है नहीं, अगर यहाँ बटे 2 हो तो 2 से 2 कट जाते ना ही ना, तो एक एक ही तो है, तो 250 गुना 500 बराबर हो जाए। अब 625 में से 500 घटाओ तो ये हो जाए 125 बटे 2 रुपया, यानी कि लाभ हो गया 125 बटे 2 रुपया लाभ हो गया। अब हमका लाभ तो निकालेगा नहीं ना, हमका निकालेगा प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाए 100 इंटू लाभ, लाभ कितना दिना है 125 बटे 2 दिना है, ये नीचे हम ये क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य दिना है 250, क्रय मूल्य नीचे लिख दिए। अब इसको जब काटेंगे ये हो जाए 100 इंटू 125 बटे 250 इंटू 2, 125 से कितना 125, 125 दूना 125, 125 अगर 2 नोट मिल जाए तो हमका 250 रुपया हो जाए, एक है मतलब 125 से करना 125, 125 दूना 250, अब 2 से काटकर 2 करना 2, 2 5 10 0, फिर 2 से काटकर 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो कितना आ गया 25, काटे 25 आ गया 25 प्रतिशत, यही आंसर है। अब हमको तो पूरा विश्वास है कि ये नियम क्लियर नहीं हुए, अगर यह तरह से सवाल आवत है कि 250 में बेचने पर 50 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो मेज पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, यहां भी विक्रय मूल्य दिया गया हो बेचने वाला, यहां भी विक्रय मूल्य दिया गया हो, तो हम सवाल कैसे लगाएंगे, ये पार्टेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा और उसे 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, कई बार हम बताए कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाले का है तो हमका क्रय मूल्य यानी खरीदे वाला दाम और विक्रय बेचे वाला दाम दोनों मालूम हो चाहिए। अगर हमका क्रय मूल्य मालूम है विक्रय मूल्य मालूम है तो हम यानी लाभ निकाले रहे तो लाभ निकल जाए, हानि निकाले रहे तो हानि निकल जाए। समझा पाए,
एक ठेलिया पे संतरा रखा है और संतरे वाले ने क्या किया, उसने यानी कि 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा, यानी कि 5 संतरा 10 में ले आए और बेचने का ओकर ले आए कि ठेलिया रख दे 5 संतरा। और एक ग्राहक उस दुकानदार से क्या कह रहा है, भाई भैया संतरा का भाव दे, तो कहे कि 15 रुपया के 6 संतरा 15 रुपया के। तो एक है मतलब कि 10 रुपया में 5 संतरा ये खरीदे भाव से और 6 रुपया और 6 संतरा 15 रुपया की दर से बेचे, तो ये पता लगा होता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सवाल यानी देखने में तो बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन है बहुत आसान, केवल ध्यान से वीडियो देखिए बस। ये तो कह सकते हो यानी 5 संतरा कितने खरीदा था, 10 रुपया का, तो 1 संतरा का दाम क्या हो गया, ये निकाल लेगा है, 1 संतरे का क्रय निकाल लेगा है। उसी तरह से यानी 6 संतरा कितने बेचे थे, 15 रुपया के, तो 1 संतरा कितने बेचे, बस सवाल आ गई। तो यहां लिखेंगे कि क्या बात, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा, एक है मतलब चूंकि 5 संतरे का अगर खरीदे हैं तो क्रय मूल्य, तो 5 संतरे का क्रय मूल्य कितना बा, 10 रुपया बा। तो एक अभी पता लगा कि 1 संतरा हम कितने के हमारा पड़ा, हम 1 संतरा कितने खरीदे रहे कौन हिसाब से, जब हम 5 संतरा 10 रुपये दे, अब हम ओका निकाला कि 1 संतरा हमारे कितने के रहा, तो एक संतरा का क्रय मूल्य बराबर, तो हम बताए जो नुनिया रहे ऊपर और जो नुनिया रहे नीचे 10/5 रुपया। मान लीजिए पापा ने पूछा, बेटुआ संतरा खरीदने के लिए कह रहे हैं लाया देख के, तो कहा हाँ, कहने का भाव पाया, कहने पापा 10 रुपया का 5 संतरा दें, तो कहने का हो 1 संतरे का दाम कितना था, तो 1 संतरे का दाम अगर निकालेगा तो कैसे निकालेंगे हम, उसको जरूर बताइए, लिखिए, कहो यानी 5 संतरे का विक्रय मूल्य है 10 रुपया, तो 1 संतरा के विक्रय मूल्य हो जाए 10/5। अब यही तरह हम निकाला विक्रय मूल्य, अब समझ लीजिए इन्हीं 15 रुपए में 6 की दर से बेच, एक मतलब 6 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपया, यानी कि चूंकि 6 संतरे का विक्रय मूल्य, 6 संतरे का विक्रय मूल्य कितना था, 6 संतरा का ही बेच रहे 15 रुपया का, तो अगर मान लीजिए कि होगा पानी की 6 संतरा की आवश्यकता नहीं ना, 1 संतरा की आवश्यकता था भाई, उठ कहे हमने 1 संतरा दिया, तो 1 संतरा कितने बेचेंगे हम, तो अब 1 संतरा का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो 1 संतरा के विक्रय मूल्य का हो गया जो नियर है ऊपर और बटे हनिया जो रहे नीचे, इतना रुपया। अब कुछ भी नहीं करना है, सवाल बहुत आसान है, बस हल्का से तनी के देख लीजिए कि मतलब हम 5 संतरा 10 रुपया खरीदे रहे, तो यही पता लगा हुआ कि 1 संतरा कितने खरीदे हैं, फिर हम 6 संतरा हम 15 रुपया के बेचे हैं, तो 1 संतरा कितने के बेचे हैं, अब हमका मालूम है क्या, ये देखा यही फोकस डाला, यानी ये चीज देखिए ये और ये, यही दो चीज आपको आपकी मदद करेगी। 1 संतरा का क्रय मूल्य है 10/5 और 1 संतरा का विक्रय मूल्य है 15/6, अब हमका इन्हीं क्रय मूल्य भी मालूम है, अब विक्रय मूल्य भी मालूम है,
अब हमको का निकालने का है, प्रतिसंधान निकालने का है। तो क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर 100 इंटू लाभ बटे क्रय मूल्य, यह हो गया। अब यानी लाभ क्रय मूल्य तो मालूम है कि 10/5। अब हमका यानी लाभ नहीं मालूम है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर यानी कि क्रय मूल्य 3 हो, लाभ 3 हो, यानी विक्रय मूल्य 3 हो, लाभ निकाले हो, तो कह सूत्र का वह है लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाए दी गया, तो जो घटाए भी आए वह तो है लाभ हटे। तो बराबर है, बराबर लिखा विक्रय मूल्य, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है 15/6 माइनस क्रय मूल्य कितना है, हम एक क्रय मूल्य है 1/17 का क्रय मूल्य कितना है 10/5। अब इसको जब हल करेंगे तो ये बन 5/30 एक इंटू कह दिया तो 15/75 माइनस फिर एक इंटू कह दिया 10/60 बराबर ये 75 में से 60 घटा दिया 15/30 बराबर ये 15 ही करना 15 × 30 यानी कि 1/2 का फायदा भाग लाभ। लेकिन क्योंकि लाभ हमको निकालना नहीं, हमको प्रतिशत लाभ निकालेगा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर बराबर नीचे बराबर लिखा 100/100 लिखा इंटू लाभ, लाभ के बराबर 1/2 है, एक बटे दो है क्या, नीचे क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 10/1 संतरे का क्रय मूल्य कितना बार 10/5 10/5 बटे जो है ऊपर हो गए, ऊपर हो गया। अभी बराबर ये कितना 100 × 1 × 5/10 × 2 जीरो से जीरो कट गया, एक से एक कट गया, दो करना दो दो पंचे दस अब 5/5 25 प्रतिशत क्या होगा लाभ होगा ये। अब यानी कहने का मतलब इसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, कहीं एक सवाल मतलब हम फिर बता देंगे। अगर यह तरह से सवाल आता है कि एक थल विक्रेता कुछ आम 5 रुपए में 3 के दर से खरीदा और 8 रुपए में 10 की दर से बेच दिया तो कितने प्रतिशत का लाभ हो या हानि हुआ, यह तरह से अगर सवाल आती है तो यानी पार्ट 3 में चले जाइए, 13वां नियम देख लीजिए और उसी तरह से लगा लीजिए, ये हमारा नियम 13। अब पार्ट 3 में हम 13वां नियम तक हम बता दिए हैं, 14वां नियम आपको अगले भाग में भाग 4 में मिलेगा। तो पार्ट 1 पार्ट 3 2 3 तीनों भाग देख लीजिएगा, जहां कहीं दिक्कत हो उसको बताइएगा और हम सवाल बता दिए हैं। और वीडियो हमारा शुरू से आखिरी तक देखिएगा, रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को और लोगों को शेयर करिएगा, हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग लॉकडाउन का मजा लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।